गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपन रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं एक बार फिर से लेकर आई एक और नई वीडियो जिसमें लेकर आई हूँ मदर कलेक्शन। तो आज मैं मदर कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ आपको, बहुत ही प्यारे सूट हैं सिंपल तरीके से, जो अम्मियाँ जो है वो खासतौर पर पसंद करती हैं। तो सिंपल तरीके से घर में स्टिच किए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है इनको और बड़ी नफासत से मैंने इनको तैयार किया है। मदर्स जो हैं वो उनके काफ़ी नखरे होते हैं, ये बात जो है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बड़े ध्यान से इनके कपड़े जो है वो सिलाई करने पड़ते हैं, तो इसलिए मदर कलेक्शन में लेकर आई हूँ मैं सिंपल सिंपल जो सूट है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि अम्मियों के सूट किस तरह से सिलाई करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके और आप जो है उनसे फायदा उठा सके। तो मेरे जो आइडियाज हैं जो मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये आप सिंपल तरीके से दिखाकर खुद भी स्टिच कर सकते हैं और दर्जी से स्टिच करवा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज है मेरे पास मदर कलेक्शन। मदर कलेक्शन में सिंपल शर्ट्स हैं और साथ में जो है कुंदे वाली शलवार है इनके साथ, वो मैं आपके साथ वो दिखाने जा रही हूँ। तो ये सूट है मैंने लिया सबसे पहले, ये शर्ट है इसकी मैंने लगाई है पाइपिंग, ये जो है इसके ऊपर मैंने पैच एक साइड पर लगा था, इसको मैंने फ्रंट पर और बैक पर पैच को लगा दिया है। और पैच को लगाने के बाद फिर जो मैंने जो गुम सिलाई है जो इसकी पाइपिंग की वो मैंने लगाई है, और जो इसी पैच में से जो कपड़ा जो दरमियान में किया यहाँ से जो कपड़ा थोड़ा सा पैच से बच गया था उसकी मैंने गले पर जो है वो आप देख सकते हैं कि गले पर मैंने इसकी पट्टी जो है वो लगा दी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। प्लेट मैंने डाले हैं इसके फ्रंट साइड पर भी और प्लेट मैंने डाले हैं इसकी जो है वो बैक साइड पर भी, ठीक है ना। तो 7-7 इंच का प्लेट होता है, 7-7 इंच का जो प्लेट है वो आप डाला करें जो सबको है वो बिल्कुल फिट आ जाता है और बिल्कुल सही रहती है इसकी फिटिंग भी। गला इसका बिल्कुल सिंपल और गोल है, पट्टी मैंने सिंपल लगाई, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया क्योंकि बहुत सिंपल ही मदर्स की जो कलेक्शन है वो सिंपल ही अच्छी लगती है। बाजू है इसके सिंपल और इनके आगे मैंने पाइपिंग लगा दी है और बहुत ही प्यारा जो सूट सिंपल सिंपल जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही इसकी शलवार है, ये मैंने कुंदे वाली शलवार जो है वो रेडी की है, ये आप देख सकते हैं कुंदे वाली ये शलवार है, ये फुल साइज है, एक्सल साइज है और कुंदे मैंने इसके अंदर डाले हैं। पोंचे जो है वो मैं सिलाइयों वाले बनाए हैं क्योंकि अम्मियाँ जो है वो इसी टाइप के पोंचे जो है वो पसंद करती हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि मदर कलेक्शन जो वो किस तरह से वेयर करते हैं वो इस वीडियो से जो है वो आइडिया ले सकते हैं और इसी टाइप के सूट जो है वो सिंपल सिंपल स्टिच करवा कर अपनी मदर्स को वो पहना सकते हैं क्योंकि जितने सिंपल सूट सिलाई किए होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो ये कुंदे वाली शलवार है, फुल साइज़ की है, एक्सल साइज़ की है और बहुत ही प्यारी जो है वो सिंपल बनी है, आप देख सकते हैं कितनी नफासत से ये बिल्कुल तैयार की गई है। तो इसके बाद दूसरा सूट आ जाता है, ये स्काई कलर में है और ये भी मैंने जो है बड़े सिंपल, तो ये दूसरा सूट है ये भी जो है स्काई कलर में आ जाता है मदर कलेक्शन में और ये भी बहुत प्यारा है। नेक जो है इसका सारा ये आप देख सकते हैं, इसका जो सारा नेक है वो उस पर एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका जो फ्रंट है वो जो है बहुत प्यारा है एम्ब्रॉयडरी नेक पर, बाकी सारा जो वो प्रिंट है। और इसका जो है यहाँ पर मैंने ली थी पाइपिंग और पाइपिंग की डोरी जो मैंने निकाल दी थी और साथ में ली थी मैंने शिटर लैस और शिटर लैस को मैंने दरमियान में रख कर और पाइपिंग की डोरी निकाल दी थी और फिर मैंने इसको लगाई गुम सिलाई। आप देख सकते हैं गुम सिलाई लगी हुई है, ना इस साइड से लैस नज़र आ रही है ना इस साइड से लैस नज़र आ रही है और बहुत ही प्यारी बड़ी नफासत के साथ ये लगी हुई है। ये मैंने पाइपिंग के अंदर ही लैस जो है ये लगा के लगाई थी, ठीक है। तो आपको सेपरेट कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, पाइपिंग लें उसकी डोरी निकाल दें और डोरी निकालने के बाद उसके साथ ही शीटर लैस को अटैच करें और उसको जो है वो इस तरह से लगा दें और मदर कलेक्शन में इस तरह से लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप अपनी खुद की शर्ट्स भी रेडी करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं, बाजुओं पर भी सेम मैंने इसी तरीके से वो लगाई। आप देख सकते हैं कि ये मैंने पाइपिंग ही ली थी और उसकी डोरी निकाल कर मैंने गुम सिलाई लगा दी है लैस अंदर लगा के और ये बहुत प्यारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अगर आप अपनी खुद की शर्ट भी इस तरह से रेडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी वाला गला है, एक कोने वाला मैंने गला बनाया है, सिंपल और सिंपल ही ये अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मैंने कुंदे वाले शलवार इसके साथ भी रेडी की है और बहुत प्यारी लग रही है, वो फुल साइज़ में है, एक्सल साइज़ है ये। और पौचे जो है वो मैंने सिलाई वाले जो हैं वो इसके साथ तैयार किए हैं क्योंकि सिलाई वाले पौचे ही इसके साथ अच्छे लगते हैं। कुंदे वाली शलवार जो बहुत अच्छी थी, फिटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त आती है और अम्मियाँ जो है वो खास तौर पर जो है कुंदे वाली शलवार जो पसंद करती हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, फिटिंग बड़ी अच्छी होती है इनकी और बड़े सिंपल तरीके से बनाई गई होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये थे आज की मदर कलेक्शन और ये दो सूट जो है मदर कलेक्शन में ये मैंने आज आपको दिखा दिए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक जो है वो स्काई कलर में, एक जो है वो
स्किन कलर में है, गोल्ड कलर में है, बहुत ही प्यारी जो कलेक्शन है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये मदर कलेक्शन मेरी आज की आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे करिए कमेंट और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो आप तक जल्दी पहुंच सके और आप उससे जो फायदा उठा सके। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारे रखिए ख्याल, मुझे रखिए तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।